आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाई एवरी वन दिन इज फाइंड आउट दिजिकल क्वान्टिटी इन सी जी एस यूनिट The results on a simplifying the expression 1000 a square b square c cube upon me d, where a is the acceleration, b is the displacement, c is the time, and d is the velocity. ओके सो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या गेवन है बच्चों की फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी ये अपना सी जी एस यूनिट में है कैसी यूनिट में है सी जी एस यूनिट में है ओके सी जी एस का मतलब होता है बच्चों यहां पे सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड ठीक है सीजीएस यूनिट में है और यहां पे जो एक्सप्रेशन के वन है वो गेवन है थाउजेंड ए स्क्वेर सी क्यूब अपोन में डी ओके एक्सप्रेशन के है और बच्चों यहां पे बोला है कि ए जो है बच्चों अपना वो क्या है एसेलरेशन है ए क्या है बच्चों यहां पे अपना एसेलरेशन है और बी को बोला है बच्चों यहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट ठीक है और सी है बच्चों यहां पे अपना टाइम और डी है यहां पे बच्चों अपना वेलोसिटी ठीक है तो यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है बच्चों सिंप्लीफाई करना है ठीक है तो ए क्या है एसेलेशन है ठीक है सीजीएस की बात कर रहे हैं हम तो बच्चों पहले यहां पे देख लेते हैं कि जो अपना एसेलेशन होता है इसका यूनिट क्या होता है सीजीएस में ओके तो एसेलेशन होता है बच्चों अपना रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पेकेंड स्क्वायर ओके okay, ये होता है बच्चों अपना एसोलेशन का यूनिट ठीक है वी क्या है यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट है ठीक है वी क्या है बच्चों डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा यहाँ पे अपना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 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 है 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 पे डिस्टेंस और क्या होता इज बेसिकली द द द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ठीक है तो ये किस में मेजर होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा सीजीएस में सेंटीमीटर में क्योंकि लेंथ है ये अपना ओके okay, तो सेंटीमीटर में मेजर होगा और सी है बच्चों यहाँ पे अपना टाइम टाइम किस में मेजर होगा सीजीएस में सेकंड में ठीक है और डी है यहाँ पे बच्चों अपना वेलोसिटी ओके okay, तो वेलोसिटी क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओके तो सिंपली ये सेंटीमीटर पर सेकंड क्योंकि हम सीजीएस में बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो थाउजेंड अब ए है बच्चों यहाँ पे अपना एसोलेशन तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर पेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है और बी है बच्चों यहां पे अपना डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और सी है बच्चों यहाँ पे सेकेंड सी क्या है टाइम ठीक है तो ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब ओके और अपॉन में कितना आ जाएगा डी है यहाँ पे बच्चों अपना सेंटीमीटर पर सेकेंड लॉसिटी ठीक है तो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से तो यह आ जाएगा देखो बच्चों थाउजेंड और ये कितना आएगा यहां से हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में सेकंड की पावर फोर आ जाएगा ये और यहां से ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है और ये हो जाएगा यहां पे बच्चों सेकंड की क्यूब ठीक है और यहां से कितना आ जाएगा ये सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है तो बच्चों ये सेकंड ऊपर चला जाएगा ठीक है तो यहाँ से सेकेंड ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर फोर हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो गया यहाँ से कैंसिल आउट हो गया सेकेंड की फोर ओके और ये कितना है सेंटीमीटर और ये कितना है सेंटीमीटर की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर और ये सेंटीमीटर नीचे है तो सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा यहाँ से ठीक है एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों अपना ये आ जाएगा थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब ओके तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था क्या गिवन था थाउजेंड ए स्क्वायर और ये कितना था वी स्क्वायर और सी क्यूब अपॉन में डी उसको हम क्या लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से हम थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल ओके इन सीजीएस यूनिट में ओके सो दिस इज द आंसर अब अब अपना ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे बच्चों तो यहाँ पे अपना जो Second option है, लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट न्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ